हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एंडोक्रीन ग्लैंड्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमको पूछे गए हैं सीटेट साइंस पेपर 2 एग्जाम्स में, उनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिएगा और अंत में आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कितने आपने सही किए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है ए इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ए की ज़रूरत है एंड डिफिशियंसी ऑफ इट कॉज्ड बी। इसकी कमी अगर हो जाए तो उसके वजह से बी होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग के लिए कौन सा मिनरल बहुत ही ज़रूरी है, वो है आयोडीन। सो हमारा आयोडीन हो गया ए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अगर आयोडीन की कमी होती है उस वजह से बी होता है। तो हम जानते हैं आयोडीन की कमी होने से एक डेफिशिएंसी डिजीज होती है जिसका नाम है गॉइटर, तो वो हो गया हमारा बी। इट इज़ एन एंडेमिक डेफिशिएंसी डिजीज। ये एक कुछ जगह पर ही सीमित ये बीमारी है एंड एज इट इज़ यूजुअली सफर्ड बाई पीपल लिविंग इन सी रीजन। सो सी एक ऐसा जगह है जहाँ के लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होती है, तो एक्चुअली हिली रीजन में रहने वाले लोगों को ये ज़्यादा होता है, तो सी हो गया हमारा हिली। डेफिशिएंसी ऑफ ए आल्सो कॉजेज डी इन चिल्ड्रन। सो ए की कमी से, मतलब आयोडीन की कमी से बच्चों में डी भी होता है, तो वो होगा मेंटल रिटार्डेशन। दिमागी जो प्रॉब्लम होती है वो भी बच्चों में दिखती है, रिटार्डेशन। तो ये हमारा हो जाएगा डी। सो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे कौन से ऑप्शन सही जा रहे हैं, तो आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर ये जो फोर्थ वाले ऑप्शन में आयरन दिया हुआ है ना, ये आयोडीन होना है। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप हिंदी वालों के ऑप्शन को देखेंगे तो वहां पर फोर्थ ऑप्शन में आयोडीन, गलगंड, पर्वतीय, मानसिक, मंदन, तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर, ये इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि आयोडीन ए होगा, बी हमारा गॉइटर, सी था हिली रीजन और डी था मेंटल रिटार्डेशन। सो ये हमारा सही उत्तर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स सीक्रेट्स मोर देन टू हॉर्मोन्स। सो इनमें से कौन सा ग्लैंड जो है दो से ज्यादा हॉर्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है। तो जैसे कि अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा जहाँ पर मैंने एंडोक्रीन ग्लैंड्स को बड़े ही डिटेल में समझाया है, हर एक हॉर्मोन्स और उसके जो फंक्शंस है उसको मैंने डिस्कस किया है, तो आपने देखा होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है, ठीक है, ये मास्टर ग्लैंड भी है, ये दो से ज़्यादा हॉर्मोन रिलीज करता है, जैसे कि ग्रोथ हॉर्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ठीक है, और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है वो सीक्रेट करता है पिट्यूटरी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दो, पीयूष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाई डैश हॉर्मोन। सो डायबिटीज मतलब क्या, कि ब्लड में जो शुगर लेवल है यानी कि ग्लूकोज की जो मात्रा है वो बढ़ जाना, ठीक है। तो इस चीज़ को कंट्रोल में कौन रखता है, तो हम जानते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन लोगों को इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है और कुछ कुछ जो मेडिसिन होती है वो भी उनको खाने के लिए कहा जाता है। सो डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन, ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है ए एंड बी सीक्रेट देयर हॉर्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ग्लैंड सी। तो सबसे पहले हम सी को समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब सी ग्लैंड है वो ए और बी को ऑर्डर देता है तब ए और बी अपने अपने हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो सी कौन है, सी मास्टर ग्लैंड है। और अभी अभी हमने क्या देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है। तो सी पिट्यूटरी सिर्फ ए के ऑप्शन में दिया गया है, तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दो। सो जो थायराइड ग्लैंड है और जो एड्रिनल ग्लैंड है वो अपने हॉर्मोन्स कब सीक्रेट करते हैं, जब उनको पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। सो ये होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ऑकर इन पेयर्स इन ह्यूमन बींग्स, मतलब जोड़े में जो ग्लैंड्स ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं उनका नाम हमको बताना है।
तो पहली बात तो हम जानते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये जो दो किडनी होती है हमारे, उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिखते हैं, ठीक है, तो वो तो दो होते हैं। और जो थायराइड होते हैं उसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो ये एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड पेयर्स में पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। इधर ओवरीज तो पेयर में पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर बाकी वाले जो ऑप्शन है नहीं होगा, क्योंकि पैनक्रियास पेयर में नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, एड्रिनल एंड थायराइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो फिलअप्स है उनको हमें भरना है। अ पर्सन सफर्स फ्रॉम वन इफ हिज और हर टू डू नॉट प्रोड्यूस द हार्मोन थ्री इन सफिशियंट क्वांटिटीज। सो एक व्यक्ति है, उसको वन होगा अगर उसका जो भी ग्लैंड है वो ये वाली हार्मोन, थर्ड वाली हार्मोन ठीक से प्रोड्यूस ना करे। तो उस हिसाब से इसका जो हम देख लेते हैं, अच्छा, अ पर्सन सफर्स फ्रॉम गॉइटर इफ हिज हर, तो यहाँ पर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होना चाहिए था, तो ये गॉइटर तो वाला नहीं होगा, गॉइटर पैनक्रियास बताया नहीं होगा। डायबिटीज तो होती है बट वो थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के वजह से नहीं होती है, ठीक है, वो होती है अगर पैनक्रियास ठीक से काम ना करे। तो उस हिसाब से यहाँ पर वन होगा कि एक इंसान को डायबिटीज होती है अगर उसका जो पैनक्रियास है वो सफिशियंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस ना करे। तो उस हिसाब से जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। वन है मधुमेह, दो है अग्नाशय और थर्ड है इंसुलिन। सो अग्नाशय इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है ए इज बोथ एन एक्सोक्रिन एंड एंडोक्रिन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन को देखा होगा तो आप जानते हैं कि जो पैनक्रियाज है इसको हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्रिन ग्लैंड भी है और एंडोक्रिन ग्लैंड भी है। तो आंख बंद करके पैनक्रियास तो ए होने वाला है, हमको पता चल गया। इट प्रोड्यूसेस बी हार्मोन। सो पैनक्रियास कौन सी हार्मोन बनाती है, वो है इंसुलिन, ठीक है। सो बी हो गया इंसुलिन, हुज इनसफिशियंट प्रोडक्शन कॉजेस डैश। सो अगर इंसुलिन जितनी मात्रा में बॉडी में बननी चाहिए उतना वो प्रोड्यूस ना करे तो क्या होता है, सी होता है। सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा डायबिटीज, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इन दिस डिजीज और कंडीशन, इस कंडीशन में या इस डिजीज में द पर्सन में एक्सक्रीट डैश इन हिज और हर यूरिन। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना उनके यूरिन में शुगर भी पाया जाता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा शुगर, क्योंकि उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई होता है। The exocrine function of this gland is to aid in the process of E. तो जो pancreas है वो exocrine gland की तरह कब काम करता है, digestion में, ठीक है, क्योंकि ये कुछ digestive juices भी बनाती है जो कि जो complex food particles है उनको simpler form में convert करने में काम आती है, okay? So उस हिसाब से A हमारा हो जाएगा pancreas. तो पैनक्रियास दो जगह पे है, बी हमारा है इंसुलिन, दो जगह पे दिया हुआ है, सी होगा हमारा डायबिटीज, डी था हमारा शुगर, ठीक है। सो डी शुगर तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, और जो जो डाइजेशन है वो ई हो जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है हॉर्मोन्स फ्रॉम ए स्टिमुलेट बी टू रिलीज सी इन फीमेल्स। तो कह रहे हैं कि ए से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो बी को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो सी रिलीज करे फीमेल्स में। तो देख लेते हैं, थायराइड ओवरी को तो नहीं देगा, पिट्यूटरी ओवरी को, मतलब पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो एस्ट्रोजन बनाए इन फीमेल्स। तो ये तो सही जा रहा है, पिट्यूटरी यूटरस को तो नहीं देता, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। थायराइड भी यूटरस को नहीं देता कोई भी ऐसा सिग्नल कि तुम हार्मोन रिलीज करो। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर टू है वो इसका सही उत्तर होगा कि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, सो उससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ओवरी जो कि एक ग्लैंड है उसको सिग्नल भेजते हैं ताकि ओवरी ईस्ट्रोजन को रिलीज करे फीमेल्स में। आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे कहा गया है, फिर से फिलअप के फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है कि इन ह्यूमंस द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन और वन। सो हम जानते हैं मेल हार्मोन क्या है, वो है टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर हमको तीन जगह पे दिए गए हैं, एंड फीमेल हार्मोन और डैश। सो फीमेल हार्मोन
ईस्ट्रोजन होता है, दो जगह पे दी गई है, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम दिस, ठीक है। सो जो थर्ड ग्लैंड है तो वो क्या है, वो है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि मास्टर ग्लैंड ही क्या करता है, लड़कों में टेस्टिस को और लड़कियों में जो ओवरीज है उसको सिग्नल भेजता है इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स, केमिकल मैसेंजर के तौर पे वो जाते हैं और फिर जो ये ग्लैंड्स हैं ये अपने अपने रिस्पेक्टिव हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। सो मेल्स में जो मेल हॉर्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में जो फीमेल हॉर्मोन है वो है एस्ट्रोजन। तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बाकी यहाँ पर कह रहे थायराइड से सिक्रीटेड जो हॉर्मोन है वो मेल में टेस्टिस को और फीमेल में ओवरीज को सिग्नल भेजते हैं ताकि वो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बनाए, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और पिट्यूटरी, ये वाला तो सही है। यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनलिन तो फीमेल हार्मोन है नहीं, तो वो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेल हार्मोन को ईस्ट्रोजन बताया गया, फीमेल हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बताया गया, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो 14 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमको मैच द फॉलोइंग के तौर पे दो कॉलम में आइटम्स दिए गए हैं। कॉलम ए में हमको ग्लैंड्स बताया गया है और कॉलम बी में जो कंडीशंस है वो बताया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, सो थायराइड ग्लैंड अगर ठीक से काम ना करे तो क्या हो सकता है, उसके चलते हो जाएगा गॉइटर। जब थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम सिक्रीट होती है तो उससे गॉइटर होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है, फूल के बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, पैनक्रियास से अगर इंसुलिन ठीक से रिलीज ना हो तो उसके वजह से क्या होती है, डायबिटीज होती है। एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस और एंगर, इसके लिए मतलब यहाँ से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारे स्ट्रेस एंड एंगर इन सबको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो ये चला जाएगा सी के साथ। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है उसके चलते स्टिमुलेटेड ग्रोथ होता है, सो डी चला जाएगा हमारा 4 के साथ। सो हमारा ए जा रहा है 3 के साथ, दो ऑप्शन में है, बी जा रहा है 1 के साथ, सो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, सी जा रहा है 2 के साथ, डी जा रहा है 4 के साथ, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। सो आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल संहिताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए ताकि आपके को मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस की अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक बात आपसे कहनी है कि मैं अभी जो सीटेट साइंस के जो कॉन्टेंट है उसका एक अलग से वीडियो डालती हूँ, मतलब वहाँ पर मैं कॉन्टेंट को इन डिटेल समझाती हूँ, उस पर डिस्कशन होता है, और ठीक उसके नेक्स्ट दिन मैं उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको कराती हूँ। साथ ही साथ मैं हिंदी का पैसेज और पोएम सॉल्व करा रही हूँ, इंग्लिश का पैसेज और पोएम सॉल्व करा रही हूँ, और आगे चलकर हिंदी में जो ग्रामेटिकल पोर्शन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको भी मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगी। तो क्योंकि मैंने सीटेट का प्रिपरेशन अभी कराना शुरू किया है तो कंटेंट मुझे ही बनाना होता है, सब कुछ मुझे ही करना होता है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपको मैं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवा करवा के अच्छी तरीके से आपको एक आइडिया दे दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।